आज हम इस वीडियो में स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में बात करेंगे कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है, कमेंट्स एंड देयर सिंटैक्स क्या है सी प्लस प्लस में, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या है और मल्टी लाइन कमेंट्स क्या है। अच्छा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है? सी प्लस प्लस का जो हर स्टेटमेंट है वो सेमीकॉलन पर खत्म हो जाता है। ये एक सिंबल का नाम है, सेमीकॉलन इसको कहते हैं। ये कीबोर्ड में एल के बाद आता है और इसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। कंपाइलर जो है ना, वो सी प्लस प्लस में हर स्टेटमेंट को एक दूसरे से सेमीकॉलन के जरिए अलग अलग पहचान सकता है। जब ये सेमीकॉलन आता है स्टेटमेंट के बाद, तो कंपाइलर ये जानता है कि ये स्टेटमेंट अलग है और ये जो इसके बाद जो लाइन है ये एक अलग स्टेटमेंट है। तो सेमीकॉलन जब हम नहीं लगाएंगे तो वो लाइन जो है ना वो एक ही होंगी। तो कंपाइलर इसमें कंफ्यूज होगा और उसमें गलती भी होगी, क्योंकि वो एक दो लाइन जो है ना वो जब सेमीकॉलन से अलग नहीं किया जाए तो उसमें गलती ज़रूर होगी, क्योंकि वो ठीक तो होंगे लेकिन अलग अलग नहीं होंगे। कंपाइलर एरर पैदा करेगा और ये बात मैटर नहीं करता कि आप एक लाइन में कितने स्टेटमेंट लगाते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर मैटर करता है कि अगर आप हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकॉलन नहीं लगाएंगे तो वो लाइन गलत होंगे, ठीक है ना। और ये जो अलग लाइन का इस्तेमाल, अलग अलग लाइन में स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये प्रोग्राम की क्लियरिटी और सफाई के लिए और रीडिबिलिटी के लिए, ताकि आसानी से हम रीड करें, इस वजह से हम अलग अलग लाइन में स्टेटमेंट लिखते हैं। अब कमेंट्स क्या है और कमेंट्स का सिंटैक्स सी प्लस प्लस में क्या है? सिंटैक्स वो चीज़ है जो हर लैंग्वेज में होता है, उसका वही तरीके से लिखना ज़रूरी होता है, लेकिन के कमेंट हम सी प्लस प्लस में किस तरह लिखते हैं। कमेंट सी प्लस प्लस सोर्स कोड का वो हिस्सा है जो कंपाइलर वो रीड नहीं करता, कंपाइलर उस पर एक्शन नहीं लेता, उसे इग्नोर करता है। कमेंट का अपना कुछ खास काम नहीं होता, ये प्रोग्राम की रीडिबिलिटी और अंडरस्टैंड, जो प्रोग्राम की समझ नहीं है वो प्रोग्रामर के लिए। हम बहुत लाइन कोड लिखते हैं तो वो बसानी समझ नहीं आती, बाद में जब थोड़ी देर वो गुजर जाए, वेरिएबल नाम का हमें पता नहीं होता, ये वेरिएबल हमने किस लिए लिखा था और ये इसका इस्तेमाल क्या है, इसमें लॉजिक क्या है, तो ही कमेंट का मकसद ये है कि वो प्रोग्राम में जो है ना वो हम अपने लिए नोट्स लिखते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम अपने समझाने के लिए, कुछ याददाश्त के लिए थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो भी जुबान हमारा वही जुबान में अपने लिए एक नोट्स लिखते हैं कि मैंने ये कोड इसलिए लिखा, और या किसी दूसरे को पढ़ने के लिए वहीं पर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, एक साइट को या वगैरह। लेकिन वो जब हम कमेंट्स के जो अपना सेंटेक्स है वही तरीके से नहीं लिखते, तो फिर कंपाइलर इसमें एरर पैदा करेगा और वो प्रोग्राम का हिस्सा होगा, तो कंपाइलर इसे एरर समझेगा, क्योंकि वो तो प्रोग्रामिंग कोड की सेंटेक्स नहीं होगी, वो हमारा अपना इंग्लिश जो होगा या अपने ज़ुबान से जो जो भी हमने लिखा है वही होगा। तो इसलिए कमेंट्स इस्तेमाल होते हैं और इसका अपना एक सेंटेक्स है, वो मैं बाद में बताता हूँ कि किस लिए किस तरह कमेंट लिखा जाता है। सी प्लस प्लस के दो किस्म के कमेंट्स हैं, एक को सिंगल लाइन कहते हैं, दूसरे को मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या है? सिंगल लाइन कमेंट्स जो है ना ये डबल स्लैश से रिप्रेजेंट होते हैं। जब हम डबल स्लैश करते हैं तो सिंगल लाइन इसके बाद अपना कमेंट्स लिखते हैं, और एंटर के बाद इस स्लैश का जो स्कोप है वो ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद हम जब कुछ लिखते हैं तो वो कंपाइलर एरर देगा हमें, क्योंकि स्लैश डबल स्लैश जो है सिर्फ एक लाइन के लिए है।
अगर हमने की गलती से डबल स्लैश लिखा है तो इसके बाद अगर प्रोग्रामिंग कोड हमने लिखी है और गलती से लिखा है तो वो कोड नहीं चलेगा, कंपाइलर उस पर एक्शन नहीं लेगा और वो तबाह हो जाएगा वो कोड। कंपाइलर बस इग्नोर करेगा चाहे वो प्रोग्रामिंग कोड क्यों ना हो। तो इसलिए कमेंट्स में और प्रोग्रामिंग कोड्स में डबल स्लैश का ज़्यादा एहतियात करें कि जब कमेंट लिखते हैं तो सिर्फ ये इस्तेमाल करो। वही लाइन ख़त्म होने तक ये डबल स्लैश सारा कोड या लाइन जो है स्लैश के बाद जो भी हमने लिखा है वो सब इग्नोर कर रहा है। अब मल्टी लाइन कमेंट्स क्या है? मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो इस तरह सिंबल के अंदर लिखते हैं हम जहाँ से शुरू होती है। ये मल्टी लाइन कमेंट्स होती है इसलिए हम बहुत से लाइन इसमें कवर करते हैं। एक भी लाइन में मल्टी लाइन कमेंट्स जो है नाम तो है मल्टी लाइन के लिए, लेकिन अगर एक लाइन कमेंट्स है और हम मल्टी लाइन कमेंट्स वाला ये निशान दे रहे सिंबल तो फिर भी गलती नहीं देगा कंपाइलर। लेकिन ये ज़्यादातर मल्टीपल लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसके बाद शिफ्ट के साथ एड दबाएं तो ये स्टार का निशान आ जाएगा। तो ये इसके कमेंट के शुरू होने वाला सिंबल है, करेक्टर इसको भी कहते हैं। सी प्लस प्लस का कांस्टेंट करेक्टर है ये मल्टी लाइन कमेंट्स की शुरू के लिए इस्तेमाल होता है। और शिफ्ट के साथ एड फिर दबा कर फॉरवर्ड स्लैश लगाएं, ये डॉट नहीं ये जुमले का खत्म होने का है, सिर्फ स्लैश तक। इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो मल्टी लाइन कमेंट्स है और कंपाइलर वो डिस्कार्ड करेगा। ये सब कुछ इग्नोर करेगा और जितने भी कोड हमने इसमें लिखे हैं वो बहुत से लाइनों में क्यों ना हो, कोड है या हमारे अपने लिए नोट्स है, डिस्क्रिप्शन है, कुछ भी है, याददाश्त के लिए कुछ लिखा है, कोड की वजाहत की है, कुछ भी क्या है, लेकिन वो कंपाइलर डिस्कार्ड करेगा, वो रन नहीं होगा और वो हमारी आसानी के लिए होगा, वो मेमोरी में इतना जगह भी कंजर्व नहीं करता। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रोग्राम की और आप उसी प्रोग्राम को, मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम लिखूंगा फिर वो इसे सेव कैसे करना है, फिर रन कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है। अच्छा लेट्स गो। ये मेरे साथ एक सिंपल प्रोग्राम है और इसका जो पहले वाला लाइन है ये भी मल्टी लाइन कमेंट्स में मैंने की है और ये जो दूसरा वाला लाइन है लेकिन इसको मैंने बंद नहीं किया है और इसको लिख क्या है लेकिन बंद क्या है, ठीक है। तो ये मल्टी लाइन है, ये हम जब मिटाएंगे तो कोई फर्क नहीं होगा इस वजह से क्योंकि ये हमने बंद नहीं किया है। तो मल्टी लाइन कमेंट्स यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है, इस वजह से इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये हमने दोबारा लिखी है तो मतलब इसके अंदर हम अगर बहुत से कमेंट को है तो वो भी कमेंट का हिस्सा है जब तक ये बंद नहीं किया है, ठीक है। आपको कुछ समझ आ जाएगा बहुत से दिनों प्रोग्राम कोड इस्तेमाल करके। और ये सिंपल प्रोग्राम है इंक्लूड स्ट्रीम, ये तो बस इनपुट आउटपुट सी आउट के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने पहले वीडियो में आपको कहा था। कानियो डॉट एच है गेट स्विच के लिए इस्तेमाल होता है स्क्रीन कैच करने के लिए ताकि यूजर से इनपुट ले ले, वहाँ इनपुट लेने तक स्क्रीन यहाँ से जाएगा नहीं, बस वो स्क्रीन पर खड़ा होगा आपको एलसीडी पर। यूजिंग नेम स्पेस स्टडी ये भी स्टैंडर्ड सी आउट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम यूजिंग नेम स्पेस स्टडी नहीं लिखते और स्ट्रीम के साथ भी डॉट एच लगाते हैं और फर्क नहीं है, बस सिर्फ इतना फर्क है क्योंकि उसमें नेम स्पेसेस नहीं है टर्बो कंपाइलर में। अच्छा ये मेन है, मेन से प्रोग्राम की बॉडी शुरू होती है। हमारे मकसद का जो भी प्रोग्राम है वो हम मेन के अंदर लिखते हैं, फिर और फंक्शन जब लिखते हैं उसे मेन से कॉल करते हैं और एग्जीक्यूशन मेन ही से शुरू होता है। अगर आपको ये पता नहीं है मेरे पिछली वीडियो में मैंने मेन के इस प्रोग्राम के डिटेल के बारे में आपको बताया था। एग्जीक्यूशन यहाँ से आउट से शुरू होता है, ये हमारे मकसद की कोड का एग्जीक्यूशन है। पहले तो यहाँ पर हेडर फाइल चेक करता है कंपाइलर,
लेकिन हेडर फाइल अलग चीज़ है और हमारा जो कोड है अपने मकसद के लिए वो अलग है। ये प्रिंट वेलकम जो है ना, कंपाइलर इसे इग्नोर करता है क्योंकि ये सिंगल लाइन कमेंट्स है और ये डबल पावर स्लैश से हमने लिखा है, और ये हमने इस लाइन की वजाहत के लिए लिखा है कि ये सी आउट वेलकम जो है ना, मतलब ये वेलकम हमें स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। तो ये इसका जो है ना मतलब एक्सप्लेनेशन है, और ये हमने सिंगल लाइन कमेंट्स में लिखा है। अच्छा, शायद आप इसको समझ आएगी। अब इस प्रोग्राम को सेव कैसे करना है, रन कैसे करना है और कंपाइल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरे साथ ड्यूसी प्लस प्लस इंस्टॉल है। अगर आपके साथ कोई भी कंपाइलर इंस्टॉल है तो वहाँ पर आपको पहले सेव बटन नज़र आएगा, फाइल में जाकर इसे सेव करना है। सेव कहाँ पर करना है वो पर डिपेंड करता है, इसको अपना कोई नाम दे दें, मतलब मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करूँगा और नाम क्या दूंगा, माई वीडियो सिंपल प्रोग्राम, ये नाम भी ठीक है। अच्छा, इसे कंपाइल करना है। कंपाइलर जब कंपाइल करता हूँ यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अगर आपकी प्रोग्राम में कोई एरर है तो उसे मेरे वीडियो के प्रोग्राम से ठीक करें। अगर फिर भी एरर है तो वो एरर मुझे कमेंट करें, मैं आपको सलूशन दे दूंगा। यहाँ पर वार्निंग भी जरूरी है, इसलिए अगर हम रन करें तो हमारे स्क्रीन पर ये दो लाइन आ जाएंगे, सी आउट वेलकम, ये वेलकम नजर आएगा और आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग डिमॉन्स्ट्रेटिंग कमेंट्स आएगा। रन यहाँ से किया जाता है, F10 भी शॉर्टकट है, वेलकम आया है और आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेटिंग कमेंट्स, ठीक है। इस एग्जाम्पल में जो हमने ये लिखा था प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट कमेंट सी प्लस प्लस, मैंने आपको वीडियो में बताया प्रिंट वेलकम सिंगल लाइन कमेंट्स है और ये मल्टी लाइन है कमेंट्स, कंपाइलर हमेशा इग्नोर करता है। अगर हम कोई कमेंट लिख के और ये भूल जाए ये क्या है स्लैश वगैरह, तो कंपाइलर इसे सी प्लस प्लस का एक्सप्रेशन समझेगा और वो एरर देगा कि ये गलत लिखा है हमने। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीडियो सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्ट्स और वेरिएबल के बारे में होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।